किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जितना से घट जाएगा हम उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी एफ से। कल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जाने थे, साथ ही ये भी बताया थे आपको कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही होगा जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर के बढ़ने के साथ बढ़ेगा। मतलब यदि सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ ये बढ़ता है, डेल्टा टी एफ बढ़ता है। अब फिर ये बताए थे कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाता है। yes. तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी होगा। yes. यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल बढ़ता तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना जाने थे। आज हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन जानेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन। तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा टी एफ से, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मोलैलिटी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोलैलिटी के। डेल्टा टी एफ समानुपाती मोलैलिटी के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के समानुपाती होता है। इसी तरह से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी जाने थे कि डेल्टा टी बी जो है ये समानुपाती होता है किसके? मोलैलिटी के। उसी तरह से डेल्टा टी एफ बी किसके समानुपाती? एक्सपेरिमेंट से पाया गया। जिस तरह से इसमें हम रिलेशन को डिराइव करके दिखाए थे आपको, उसी तरह से हम इसमें भी रिलेशन को दिखाएंगे आपको डिराइव करके। तो नीचे लिखिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज directly proportional to molar concentration of the solution, molar concentration of the solution, that is, मतलब हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी एफ समानुपाती और किसके? मोलैलिटी के। मोला हम इस रिलेशन को डिराइव करके दिखाएंगे। फिलहाल इसको उतारिए आप। अब हम डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बीच में जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन करते हैं। हम एक प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं और दो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर एक्सिस हो गया, बीपी मतलब क्या? वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर एक्सिस हो गया और ये टेम्परेचर एक्सिस हो गया। सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी नोट मान लेते हैं और ये सॉल्यूशन वन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी वन मान लेते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या मान लेते हैं? टी टू। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है।
होता है ना, तो T नोट बड़ा होगा T1 T2 से। अगर T2 यहाँ पे है, देखिए इधर T2 क्या है, T2 तो T1 से छोटा है ना, T2 T1 से क्या है छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो क्यों है, तो ये छोटा इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन सेकंड में सॉल्यूट का अमाउंट अधिक है कंपेयर टू सॉल्यूशन वन। सॉल्यूशन वन में जितना अमाउंट है सॉल्यूट का, उससे ज्यादा सॉल्यूट किसमें है, सॉल्यूशन सेकंड में। तब तो फ्रीजिंग पॉइंट कम है फर्स्ट सॉल्यूशन से। तो बात यहां पर लेट अस कंसीडर, हम याद करते हैं एक सॉल्वेंट और दो डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन एक से, मतलब सॉल्यूशन दो में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन वन से ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्वेंट का है टी नोट है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन फर्स्ट का टी वन है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन दो का टी टू है। तो बताइए डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर फर्स्ट सॉल्यूशन का डेल्टा टी एफ निकालना है तो टी नोट माइनस टी वन होगा ना, और सेकेंड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, टी नोट माइनस टी टू हो जाएगा। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यही होता है। जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कितना से घटेगा, तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे तो जितना घट गया वही निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो दोनों सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ का वैल्यू निकल गया, पहला सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ वन और दूसरा सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ टू। अगर ये सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन वन और टू बहुत डाइल्यूट हो जाए, बहुत डाइल्यूट का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो जाए, उस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, लगभग में बराबर हो जाएगा। तो उस केस में ये ई सी के नजदीक आ जाएगा और पॉइंट डी बी के नजदीक आ जाएगा, दिख रहा है ना पॉइंट ई आपको, ये डी पॉइंट बी के नजदीक आ जाएगा और ई पॉइंट किसके नजदीक आ जाएगा, सी के नजदीक आ जाएगा। और जैसे ये दोनों पॉइंट इसके नजदीक आएगा तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा, ये देखिए ये आपका ए हो गया, ये ए, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पे सी, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट ई हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये तो ट्राइंगल, ये एक त्रिभुज है ए ई सी, इसके अंदर एक त्रिभुज है ए डी बी, है कि नहीं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज तो समरूप होगा, होगा कि नहीं, सिमिलर होगा। तो समरूप त्रिभुज के इस केस में हम क्या थ्योरी अप्लाई करते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय बराबर क्या, बराबर बी डी बटे ई सी, होगा ना, नहीं होगा क्या, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस केस में ये लिख सकते हैं, मिटा लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे क्या, इफ सोल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट देन, अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो जाए देन तब पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी है विल बी नियर टू पॉइंट बी, ये डी पॉइंट नियर बी के होगा, नजदीक होगा, एंड पॉइंट ई विल बी नियर टू पॉइंट सी, ये किसके नजदीक होगा, पॉइंट सी के, एंड कर्व बी डी एंड ई सी, ये जो बी डी और ई सी जो है वो सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा नजदीक आने पे, विल बी स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा हो जाएगा, एंड ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए ई सी, और ये ट्राइंगल ए ई सी विल बी सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी बराबर क्या, बी डी बटे ई सी, क्या आपको समझ में आया, यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो अच्छा बताइए, अगर आप ये यहां पे लिखे देन तब क्या लिखेंगे हम, ए बी बटे क्या, ए बी बटे ए सी बराबर क्या, बी डी बटे ई सी। तो बताइए ए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा ए बी, ये वैल्यू निकालना है, ये और ये इसके बीच का दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूरा क्या, पी नोट है, जो यहाँ यहाँ से यहाँ का दूरी वही यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी पी नोट, और यहाँ से यहाँ का दूरी पी एस वन, तो पी नोट माइनस पी एस वन, तो ये दूरी निकल जाएगा ना, निकलेगा ना, तो ए बी की जगह पे क्या देंगे, पी नोट माइनस पी एस वन, पी नोट माइनस पी एस वन, पी एस वन, और डिवाइडेड बाय क्या,
एसी क्या हुआ? पी नोट माइनस, वही बात, पी नोट माइनस क्या पी एस टू ना, ये दूरी निकालना, तो पी नोट माइनस पी एस टू बराबर डी डी क्या होगा, तो ये रहा बी और ये रहा डी, तो ये दूरी निकालना, ये दूरी मतलब क्या, ये और ये दूरी ये निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ देखा दूरी टी नोट और यहाँ से यहाँ का दूरी टी वन, इतना पूरा में से इतना घेरा लेंगे तो ये निकल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा टी नोट माइनस टी वन, बटे में वो क्या होगा टी नोट माइनस टी टू, समझ में आ गया आपको, इसलिए फॉर्मूला हम कन्वर्ट करते हैं इसको, अगर इसको इधर आओ इसको इधर कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो हम बताइए टी नोट माइनस टी वन, अब ये लिखे थे ये तो डेल्टा टी एफ वन है नहीं है क्या, तो हम डेल्टा टी एफ वन लिखे, ये टी नोट माइनस टी वन को डेल्टा टी एफ वन, बटे में टी नोट माइनस टी टू डेल्टा टी एफ टू, अब ये लिखे मिटाए यहाँ पे, तो बराबर किसके हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस, क्या करते हैं दोनों ऊपर नीचे दोनों पी नोट से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या पी नोट माइनस पी एस टू, डिवाइडेड बाय क्या दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करते, कोई फर्क पड़ा क्या पी नोट से, बताइए आप ये जानते होंगे ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, इसका मतलब क्या ये समान के पास किसके बी के, समझ में आएगी नहीं, तो क्या हम यहाँ पे वही बात वन टू है, तो क्या हम इसको डेल्टा टी एफ समानुपाती पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, अच्छा बताइए यहाँ पे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सॉल्यूशन तो बहुत डाइल्यूट है ना, ऊपर में पहले लिख चुके हैं, तो जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उस केस में रॉल्स लॉ में हम क्या पढ़े थे कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन लिख सकते हैं ना, फोर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हो पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इक्वल टू क्या स्मॉल एन डिवाइडेड बाय क्या कैपिटल एन, तो इसके जगह पे ये स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन यहाँ पर लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ समानुपाती किसके स्मॉल एन डिवाइडेड बाय क्या स्मॉल एन क्या है सॉल्यूट का मोल है और कैपिटल एन क्या है सॉल्वेंट का मोल है, तो बताइए अगर एक्स बराबर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू वन हो गया मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वाई जो है मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया मास ऑफ क्या सॉल्वेंट डब्ल्यू हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ क्या सॉल्वेंट समझ में आएगी नहीं चाहे डब्ल्यू मानते हैं सॉलिड का मोलर मास डब्ल्यू होगा सॉल्वेंट का मोलर मास तो बताइए उस केस में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एन मोल सॉल्ट है ना पहले इसको फिर हम इसको आगे बता रहे हैं निकाल ये स्मॉल एन हो गया सॉलिड का मोल और कैपिटल एन किसका मोल हो गया सॉल्वेंट का मोल तो मोल यहाँ कैसे निकालते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो बताइए क्या आप डेल्टा टी एफ समानुपाती मोल्स ऑफ सॉलिड क्या रखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू सॉलिड का मोल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या सॉल्वेंट का मोल सॉल्वेंट का मास और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास तो डेल्टा टी एफ सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और इनटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय क्या वाई हो जाएगा ना अच्छा बताइए यहाँ पे W1 तो सॉल्वेंट का मोलर मास है और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना जैसे वाटर अगर एक ग्राम ले तब भी मोलर मास 18 लेंगे 18 लेंगे और एक लाख ग्राम ले तब भी कितना लेंगे 18 लेंगे कोई फर्क पड़ता है क्या तो अगर ये समानुपाती है तो समानुपाती पे कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई वैल्यू रहे इस W1 की जगह पे हम 1000 लेते हैं तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एक्स डिवाइडेड बाय क्या एक्स डिवाइडेड बाय और इंटू क्या 1000 डिवाइडेड बाय क्या वाई हो जाएगा और आप जानते हैं ये एक्स तो सॉल्यूट का मास है ग्राम में और ये सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोलर मास और ये सॉल्वेंट का मास और किस में ग्राम में ये किस में है ग्राम में ये ग्राम में है इन ग्राम ये सॉल्यूट का मास भी ग्राम क्योंकि मोल निकालने के लिए मोल मास को ग्राम में चाहिए ना तो बताइए ये फॉर्मूला किसका हो गया मोलालिटी का तो क्या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या डेल्टा टी एफ समानुपाती मोलालिटी लिख सकते हैं ना तो ये यहाँ पे ये देख लिया आप रिलेशन डेरिवेशन की डेल्टा टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो समानुपाती होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के मींस डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के
क्या समझ में आया आपको? चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो आप डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे? इस साइन को रहेंगे तो राइट साइड में कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ना। तो बताइए डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे? के बी नहीं, वहां पे के बी था, बॉइलिंग पॉइंट था तो के बी, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा टी बराबर आप लिखेंगे डेल्टा टी बराबर के एफ, के एफ इंटू डेल्टा के एफ इंटू क्या मोलारिटी। समझ में आएगी नहीं? मोलारिटी और मोलर, इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करिए। जैसे अगर यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में लिखे मास मोलर मास के टर्म में तो के एफ और इंटू एक्स इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या डब्ल्यू होने क्या बोलिए वाई। तो न्यूमेरिकल में ये यूज होगा जहां पे ये बाकी एक्स वाई डब्ल्यू और डेल्टा टी एफ के बारे में तो आप जानते हैं। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एक्स सॉलिड का मास ग्राम में, डब्ल्यू सॉलिड का मोलर मास है, वाई सॉल्वेंट का मास है किसमें ग्राम में, और के एफ जो है ये कांस्टेंट है जिसका तीन नाम है, जैसे केबी का नाम था इसका तीन नाम है। एक हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या आपका क्या नाम हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को आप क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन। के एफ बराबर मोलर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट। उसके बाद इसका और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कांस्टेंट। और उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या आपका नाम हो गया। और जिस तरह से हम लोग केबी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जानते थे, ये जानते केबी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, कैसे करता है नहीं करता है, उसी तरह से केएफ का भी कॉन्सेप्ट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे को बोलते फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ का तीन नाम, तीनों नाम से क्वेश्चन बनता है। मतलब क्वेश्चन में तीनों चीज में से कोई भी पूछ देगा, बोलेगा मोलर डिप्रेशन मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों नाम यूज हुआ क्वेश्चन में, इसको उतारिए। उसके बाद हम के एफ का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ये क्रायोस्कोपिक कॉन्सेप्ट है, सी आर वाई ओ।